यूक्रेन के उड़ीसा नेशनल यूनिवर्सिटी, लवी मेडिकल यूनिवर्सिटी व इवानो नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी तथा ट्रेनोपोली यूनिवर्सिटी से भारतीय छात्र किसी तरह पोलैंड व रोमानिया बॉर्डर पर धक्के खाते हुए पहुंचे, मगर वहां भी स्वदेश लौटने का कोई इंतजाम नहीं है। इससे छात्रों में काफी आक्रोश है। कड़ाके की ठंड में ठिठुर रहे छात्रों किसी तरह शहरों से मौत के मुंह से निकलकर बॉर्डर पर पहुंचे तो अब भारत आने के लिए फ्लाइट नहीं मिल रही। छात्र छात्राएं भूखे सड़कों पर सोने को मजबूर हैं, दहशत के साए में जी रहे हैं। यूक्रेन में जिला फतेहाबाद के भूना शहर के 16 विद्यार्थी पढ़ाई करने गए हैं। इन सभी ने जिला प्रशासन की ओर से जारी टोल फ्री नंबर पर अपना नाम पते दर्ज कराए हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद भारतीय छात्र छात्राओं को स्वदेश लौटने के लिए भारत सरकार ने 2 दिन पहले एडवाइजरी जारी की थी कि पोलैंड, हंगरी व रोमानिया के बॉर्डर पर पहुंचे, जहां से फ्लाइट से उन्हें स्वदेश लाया जाएगा। यूक्रेन के विभिन्न शहरों में मेडिकल की पढ़ाई करने गए भारतीय छात्र शुक्रवार व शनिवार को किसी तरह पोलैंड व रोमानिया बॉर्डर पर पहुंच गए, मगर वहां पर फ्लाइट तो दूर, खाने व ठहरने का इंतजाम नहीं है, जिसे लेकर विद्यार्थियों के अभिभावक भी गहरे सदमे में हैं। यूक्रेन में पढ़ाई करने गए गणेश कॉलोनी भूना निवासी राघव मेहता ने दूरभाष पर बताया कि पोलैंड बॉर्डर पर पहुंचने के लिए 1300 किलोमीटर गाड़ी और 35 किलोमीटर पैदल चलकर पोलैंड बॉर्डर पर 2 दिन पहले पहुंचा था, मगर वहां पर भारतीय लोगों को बॉर्डर पार करने की एंट्री नहीं दी जा रही। बॉर्डर पर -4 डिग्री टेम्परेचर है, जिस कारण सर्दी से ठिठुर रहे हैं। वहीं खाने के प्रबंध होना तो दूर, पानी को भी तरस रहे हैं। उन्होंने बताया कि 3 दिन से चॉकलेट खाकर जीवन बचा रहे हैं, मगर अब वह भी मिलनी बंद हो गई है। वहीं तनु पुत्री सुरेंद्र ने बताया कि रोमानिया बॉर्डर पर वह एंट्री के लिए कई घंटों से रुकी हुई है, मगर भारतीय लोगों को प्रवेश पर प्रतिबंध है और दूसरे देशों के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रिया ज्योत पुत्री गुरप्रीत सिंह पोलैंड बॉर्डर पर स्वदेश लौटने का इंतजार कर रही है। पिछले कई घंटों से वह वहां डेरा डाले हुए है, मगर खाने व पीने की साथ साथ बिजली की कोई व्यवस्था नहीं होने कारण मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो चुके हैं, जिसे परिवार के लोग बात नहीं कर पा रहे। राजन पुत्र मांगाराम पोलैंड बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड में ठिठुर रहे वह अपने वतन आने के लिए आंखें फाड़ कर देख रहे हैं कि कब उनकी फ्लाइट आएगी। रीना पुत्री जगदीश पिछले 24 घंटों से रोमानिया बॉर्डर पर भारत देश लौटने के लिए फ्लाइट का इंतजार कर रही है। काशिश पुत्र सुरेंद्र पोलैंड बॉर्डर पर भूख प्यास के बीच देश लौटने के लिए संघर्ष कर रहा है। दृष्टि पुत्री अनिल नारंग पोलैंड बॉर्डर पर पिछले 72 घंटों से इंतजार कर रही है। दृष्टि ने कहा कि यहां का हाल बयान नहीं कर सकते, -डिग्री टेम्परेचर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, 1 लीटर पानी से कई घंटों निकल चुके हैं और उन्होंने भारतीय दूतावास से मोबाइल पर संपर्क किया तो बॉर्डर पर पहुंचने की बात कही गई, मगर कोई मदद के लिए नहीं आया है। लोग भूखे सड़कों पर इधर उधर भटक रहे हैं। कड़ाके की ठंड में कई लोग सड़कों पर ही सो रहे हैं। छात्र छात्राओं ने कहा कि यूक्रेन के शहरों से जान बचाकर किसी तरह बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, पर यहां से अब शहर वापस नहीं जाएंगे, अब स्वदेश ही लौटा जाएगा। बच्चों के साथ साथ उनके परिजन भी यहां भारत में परेशान हैं। अपने बच्चों के सुरक्षित स्वदेश लौटाने के लिए सभी दुआ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।